नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है पाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखे गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो आज का वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो आज को मैं बैंक निफ्टी का 28 तारीख का चार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो कुछ देखिए, ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर हम लोग काम करने में बहुत डरते हैं, मार्केट का ओपनिंग को देख के ही हम लोग डर जाते हैं जो मार्केट में क्या होने वाला है और इस टाइप का सिचुएशन में मुझे क्या करना है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज बता देता हूँ। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या देता है, ये जो ग्रीन कलर का एरो, ये आपका सिग्नल है। जब कोई सिग्नल देगा आपका पास नोटिफिकेशन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में उसका डिटेल्स आ जाएगा जो कौन सा वेल में कॉल दिया है, टारगेट, स्टॉप लॉस, ईच एंड एवरीथिंग। अब कॉल आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को तीन कंडीशन देखना पड़ता है। एक है बाइंग का कॉल का पहले कोई स्टार बनाए कि नहीं। हमेशा बाइंग का कॉल का पहले ग्रीन स्टार बनेगा, नीचे का जो रिबन है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए और ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है उसका कलर ग्रीन रहेगा और ये व्हाइट का ऊपर रहेगा। अगर ये तीन चीज मैच होते तब जाके कोई कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलते हैं, अदरवाइज नॉट। तो जैसे ये जो कॉल था यहाँ पर सारा कंडीशन मैच था, तो यहाँ पर लॉजिकली ये कॉल एक सही कॉल था। पर देखिए, कॉल कब बना था, 27 तारीख 3:20 पे। तो ये जो कॉल है बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि 10 मिनट बाद मार्केट बंद होने वाला है। 28 तारीख क्या हुआ, मार्केट सडनली इतना गैप अप होके ओपन हुआ। अब ऐसा सिचुएशन में जैसे मार्केट ओपन होता है हम लोग सोचते हैं जो मार्केट इतना गैप अप हुआ है अब यहाँ पर क्या होगा। जनरली गैप अप मूवमेंट में क्या होता है, मार्केट रिवर्स बैक करके गैप फिलअप करने का कोशिश करता है। बहुत सारा वीडियो में मैं ये चीज बताया हूँ। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है मार्केट ऊपर का तरफ जाए, मैक्सिमम केस में क्या होता है मार्केट साइडवेज कर जाता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जो बेसिक रूल है, ऐसा सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है एंड फर्स्ट कैंडल का जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऊपर दो लाइन मार्किंग कर लीजिए। अब इसको इस हिसाब से देखना है। देखिए, कॉल अगले दिन का बाय का कॉल चल रहा है, तो आज को मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो दोबारा बाय का कॉल नहीं जाएगा देगा, और मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ के ये अगले दिन का जो गैप है इसको फिलअप करने का कोशिश करेगा। तो ये दोनों में से कोई एक चीज होगा, इंट्राडे ट्रेडर को इसी हिसाब से सोच बनाना है। तो अभी मैं वेट करूंगा या फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए। ऊपर तभी जाएगा जब मैं वो लाइन ड्रॉ किया हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर कोई कैंडल जाएगा तब जाके मैं यहाँ पर बाय करूंगा, अदरवाइज नॉट। तो देखिए, यहाँ पर वेट करते करते मुझे दिखाई दे रहा है अब जाके इस कैंडल पे, ये कैंडल या ये कैंडल पे बोल सकते हैं कितना बजे, 10:10 का जो कैंडल है यहां पर ही फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ा है। मतलब अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इस कैंडल पे बाय कर सकते हैं, इसका पहले बाय करना आपके लिए सेफ नहीं होगा 10:10 का टाइमिंग में। अब यहां पर जब आप बाय करेंगे तो आपका यहां पर कोई टारगेट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने तीनों टारगेट का अचीव कर दिया है। बेसिकली हम लोग एग्जिट के ऊपर फोकस करेंगे। सोचिए, 10:10 पे आप एंट्री लिए, एग्जिट करने के लिए नीचे का जो ब्रिक्स है उसका ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर जब तक वाइड लाइन का ऊपर है तब तक आपका पोजीशन सिक्योर है। तो देखिए, वेट करेंगे कब ये वाइड लाइन को तोड़ के नीचे आता है। तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज कर दिया था, और फाइनली अगर मैं देखूंगा यहाँ पर ये वाइड लाइन को तोड़ के नीचे आ जा रहा है। तो देखिए, छोटा मोटा प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसका अंदर भी आप छोटा एक प्रॉफिट बना सकते हैं। बट जैसे आपको दिखाई देगा ये ब्रिक्स इंडिकेटर वाइड को कंटिन्यूअसली तोड़ रहा है नीचे की तरफ, तो यहां पर और आपको वेट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में गैप अप हुआ है, उसका बाद भी मार्केट ऊपर गया है। तो छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट हुआ है ये यहां पर आप लेके निकल जाएंगे। तो इस चीज को समझना है, बहुत टाइम क्या होता है हम लोग फंस जाते हैं। अब जैसे देखिए, यहां पर नीचे का इवन रेड हो गया धीरे धीरे, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर तो बहुत पहले आपको बता दिया व्हाइट का नीचे आ गया, अभी यहां पर सेलिंग का कॉल भी बन गया। अब क्वेश्चन है जो क्या ये सेल का कॉल सही है। देखिए, अभी ये जो सेल का कॉल बना है यहां पर अभी तक कोई रेड स्टार्ट नहीं दिया। यहां पर हम लोग का तीन जो कंडीशन है, ये क्या नीचे का रिबन का कलर देखना है वो तो मैच है, सेलिंग का टाइम रेड हो गया। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर देखिए व्हाइट का, व्हाइट को बहुत पहले ब्रेक करके नीचे आ रहा है, सिग्नल भी बन चुका है बट स्टार नहीं बना है। तो आपको यहाँ पर स्टार के लिए वेट करना है, जब तक कोई स्टार नहीं बनेगा तब तक ये कॉल को आप कंफर्म नहीं बोल सकते। जैसे यहां पर आके आप स्टार बना,
अब यहां पर क्या सोचना है, देखिए इस कैंडल पे स्टार बना है तो इसका बाद आप ट्रेड लेने के बारे में सोच तो जरूर सकते हैं, बट आपको कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। सिग्नल के बाद यहाँ पर जो स्टार मिला है ब्रिक्स वाला इंडिकेटर, ब्रिक्स एक्चुअली क्या करता है, ब्रिक्स मार्केट का सेंटिमेंट को कैच करता है। देखिए ब्रिक्स ने इसी कैंडल पे बताया था मार्केट गिरने वाला है, कितना बजे, 11:15 पे। आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से एंट्री मिल रहा है 12:10 पे, मतलब 1 घंटा बाद। तब तक ब्रिक्स ने एक लंबा रैली निकाल दिया। ब्रिक्स का काम होता है सेंटिमेंट, मतलब सेंटिमेंट ने अपना काम कर गया। तो ऐसा सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेने जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक रिस्केबल ट्रेड होगा। अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन होता है जहां पर हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल एंड फेक कॉल या वीक कॉल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिग्नल का हिसाब से, कंडीशन का हिसाब से, कंडीशन तो यहां पर मैच हो गया, बट जहां पर मैं ट्रेड करने जा रहा हूं मुझे दिखाई दे रहा है मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफी नीचे आ गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अल्टीमेट आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, बट ब्रिक्स का कलर जैसे आपको ग्रीन होते हुए दिखाई देगा तो समझ जाना है जो शायद ये और मूवमेंट नहीं करेगा। फाइनली देखिए बाइंग का कॉल दे दिया, तो अच्छा होता अगर मैं उस सेल का कॉल में ट्रेड नहीं लेता। अब ये जो बाय का कॉल बना है इसमें कंडीशन क्या है, देखिए नीचे करीबन अभी भी रेडी है, ब्रिक्स आपका फेवर में, बट इस बाय का कॉल का पहले लास्ट कौन सा स्टार है, लास्ट है आपका रेड स्टार, मतलब सेलिंग का स्टार अभी भी चल रहा है, बाइंग का कोई स्टार आया नहीं, तो आपको यहां पर भी स्टार के लिए वेट करना है। देखिए नीचे का रिबोन भी अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है, थोड़ा सा ग्रीन हुआ, ब्रिक्स ऊपर गया, बट अभी भी यहां पर कोई स्टार नहीं बना है। तो जब तक कोई स्टार नहीं बनेगा आप इस कॉल में ट्रेड नहीं ले सकते। फाइनली देखिए देखते देखते मार्केट गिर गया और यहां पर दोबारा सेल का कॉल बन गया। अब इस सेल का कॉल में कंसेप्ट क्या होगा, देखिए ये जो सेल का कॉल बना है नीचे का रिबन का कलर रेड है, ब्रिक्स एग्जैक्टली करीब करीब जगह पे तोड़ा है। तो इसका मैं बार बार बात करता हूँ, ब्रिक्स एक्चुअली जिस टाइम तोड़ता है अगर उसी टाइम हम लोग को कॉल मिल जाता है तो ये काफी अच्छा होता है, क्योंकि सिग्नल एंड सेंटिमेंट दोनों एक साथ मैच हुआ है। जैसे इसका पहले जो हुआ था सिग्नल बहुत बाद में मिला, सेंटिमेंट बहुत पहले आ गया, तो वहां पर एक मिसमैच हो जाता है। तो अभी जो सेल का कॉल है नीचे करीबन रेड है, ब्रेक्स आपका फेवर में, और इस सेल का कॉल का स्टार आपका कौन सा है, ये लास्ट वाला, क्योंकि इसका बाद कोई ग्रीन स्टार नहीं दिया है तो दोबारा ये रेड स्टार नहीं देगा। तो आप इस सेल का कॉल को एज ए स्ट्रॉन्ग कॉल सोच सकते हैं। तो अल्टीमेट अगर हम लोग देखेंगे यहां पर देखते देखते आपको एक प्रॉफिट अच्छा खासा दे दिया, 200-250 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है, तो दैट्स इनफ फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर। अब इसको फ्यूचर को देखते हुए भी ऑप्शन में काम कर सकते हैं या ऑप्शन का डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस को भी लगा सकते हैं। तो देखिए आज का अगर फुल डे का परफॉर्मेंस देखा जाए, मार्केट इतना गैप अप हुआ तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन था, बट आप जिस रूल को फॉलो कीजिए, फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ने के बाद मुझे बाय करना है और मैं ब्रिक्स को देखते हुए मेरा पोजिशन निकाल लूंगा, जो भी पॉइंट मिलेगा 70-80 पॉइंट जो भी मिला है निकल जाऊंगा। सेल का कॉल बना, कंडीशन तो मैच हुआ, बट ये चीज याद रखना है सेंटिमेंट के साथ जो सिग्नल है वो उतना खास मैच नहीं कर रहा, तो यहां पर अलर्ट रहना है। बाय का कॉल कंडीशन मैच नहीं है, ट्रेड नहीं होगा। फाइनली सेल का कॉल में कंडीशन मैच हुआ और यही आपको प्रॉफिट देखेगा। तो इसका मतलब है ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कब आएगा नोबडीज नोस, तो आपको वेट करना है सही वक्त के लिए, एक सही कॉल आपको सारा दिन का प्रॉफिट देके निकल जाएगा। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट के बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं, अकाउंट करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलआईएस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इस तरीके का वीडियो मेरा चैनल पर काफी सारा है, 2-4 वीडियो और देखिए काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लॉजिक को समझ जाएंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।